Hello, friend. Yeah, today I'm going to teach you about something, design of steel structure. So we are going to learn today design of steel structure. Okay. Now, what do you mean by design of steel structure? So, to design the structure which are made up of steel, Now, the content So, first of all, you remind आप सोचिए अपने आप से कि स्टील स्ट्रक्चर ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मैं कह सकूं तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में स्टील स्ट्रक्चर यूज होते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। जो स्टील स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, किससे बने हुए होते हैं? स्टील स्ट्रक्चर से। आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन डिटेल में बाद में समझाऊंगा, पर आज हम ज्यादातर जाएंगे कि कनेक्शन बेस पे कि कौन से कनेक्शन होते हैं। मीन्स के अगर हमें एक डोर को अगर वॉल से कनेक्ट करना है या फिर डोर फ्रेम से कनेक्ट करना है तो बीच में एक स्टील की पतली सी प्लेट को यूज करेंगे। वो प्लेट को क्या बोलते हैं अपन? प्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीट। लाइक दिस वी कनेक्ट, लाइक दिस यहाँ पे होल बने हुए होते हैं ऐसे, और एक सरफेस यहाँ पे कनेक्ट की जाती है, एक सरफेस यहाँ पे की कनेक्ट की जाती है, और ये ओपन क्लोज हुआ करती है। इसे बोलते हैं क्या अपन? बोलते हैं इसे क्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीट। ओके, तो कनेक्शंस में जनरली कितने टाइप्स होते हैं? देयर इन कनेक्शंस देयर आर जनरली टू टाइप्स। बेसिकली अपन बोले ना तो उसके दो टाइप होते हैं। कनेक्शन के बेसिकली कितने टाइप होते हैं? कनेक्शंस वन बोल्टेड कनेक्शन, and second one is welded connection. अब bolted connections के अंदर क्या होता है कि bolts का use होता है। किसका use होता है? bolts, ऐसे bolts बने होते हैं तो bolts का use होता है यहाँ पे। okay, और welded connection में क्या होता है? welding, जैसे कि गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग। अपन ज्यादातर जहां जाते हैं वहां पे क्या होता है, कोई भी अपन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जाए तो वहां पे स्पार्कलिंग होता होगा, वहां पे गैस वेल्डिंग करते हैं ऐसे। तो किसी एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ ज्वाइंट करना होता है तो उसे वेल्डिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं अपन वेल्डेड कनेक्शन। जैसे कि अपन जनरली बोले तो अगर किसी भी कागज या पुट्ठे को अपन को दूसरे चीज के साथ पेस्ट करना होता है तो हम फेविकॉल का यूज करते हैं, वो एक टाइप का वेल्डिंग हो गया। क्या हो गया? उस टाइप का वेल्डिंग हो गया। तो हम आज कौन सा टॉपिक सजेस्ट करने वाले हैं? हम आज बोल्टेड कनेक्शन पे स्टडी करने वाले हैं। तो बोल्टेड कनेक्शन, तो इन बोल्टेड कनेक्शन विच आर द टाइप्स ऑफ कनेक्शन? सो फर्स्ट वन इज बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू बीम कनेक्शन, एंड सेकंड वन इज बीम टू कॉलम कनेक्शन। ओके, बीम टू बीम कनेक्शन एंड बीम टू कॉलम कनेक्शन। मीन्स अब मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूं कि लोड ट्रांसफर कैसे होता है।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीम टू बीम कनेक्शन क्या है और बीम टू कॉलम कनेक्शन क्या है। तो अगर मैं यहां पे एक सेक्शन ले लेता हूं, जैसे कि ये है कॉलम, और यहां पे जा रहा है ये बीम, यहां पे दूसरा कॉलम है, जो लोड ट्रांसफर कर रहा हूं, और यहां पे क्या है, स्लैब है। तो अब यहां पे लोड कैसे ट्रांसफर होगा कि स्लैब पे से लोड यहां पे आएगा, यहां पे बीम पे आएगा, और बीम उसको ट्रांसफर करेगा कॉलम पे, कॉलम से नीचे जाएगा। जनरली लोड डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ऐसी होती है कि स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम एंड कॉलम टू फाउंडेशन। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बीम टू कॉलम कनेक्शन, मींस इस बीम को ये कॉलम के साथ कनेक्ट करना होता है तो उसे बीम टू कॉलम कनेक्शन कहते हैं। पर ये बीम टू बीम कनेक्शन क्या होता है, नाउ व्हाट इज बीम टू बीम कनेक्शन। सो व्हाट इज बीम टू बीम कनेक्शन, इफ सम ऑफ द बीम्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉलम, ओके, बट दे आर कनेक्टेड टू द बीम इटसेल्फ, द बीम इटसेल्फ एंड हियर इट इज कॉलम। ओके, आई होप यू कैन, यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज। This is me. This is column. And this is secondary beam. It is known as secondary beam. The beam which are connected to other beam is known as secondary beam. So secondary beam are not supported by column. They are supported by main beam itself. This main beam. It is secondary beam. And it is column. So when the secondary beam is connected to the main beam, then it is known as beam to beam connection. Now we will think that why I am using the rectangle portion. Okay, why I am using the rectangle portion. So I want to make you understand generally that how the load is transferring and how the connection might be seen itself. So coming to the steel section, so these are concrete section, a rectangular section, column section, these all are what, concrete section. Now I am coming to the steel section. So in steel, which type of sections are used? In steel, the sections are used in steel section, we used rolled steel section. As per steel table or SP6. In this, the value of all sections are given. Now, which are the rolled steel section? So, first one is angle section, which is denoted by ISA, where I stands to Indian, S stands to standard, and A stands to angle. So, Indian standard angle section. There are two types, equal and unequal. Okay,
सेकंड वन इज बीम सेक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज आई सेक्शन. इट इज डिनोटेड बाय आई एस एल बी आई एस एम बी आई एस जी बी आई एस एस बी ओके दिस और आई एस एच पी वी कैन से दैट आई एस एच पी. नाउ दिस टू वर्ड इज इंडियन स्टैंडर्ड. एल मीन्स लाइट वेट बीम सेक्शन. इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम सेक्शन. इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शन. इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल बीम सेक्शन मीन्स स्पेशल बीम सेक्शन इज लाइक दैट वी make for the special purposes or special requirements. An Indian standard heavy beam section means high weight beam section. Okay. Another one is channel section. So IS LC, IS MC, IS GC, IS HC. Okay. Indian standard lightweight C means channel section. The first three words are same as the beam section. The last one is beam section. Instead of here, it is channel section. Okay. So like this, we can understand all the sections. Okay. Now, what do you mean by roll steel section? ये roll steel section आप क्या समझते हैं? Means there are two types of section. First one is roll steel section. And another one is plastic section. First one is roll steel section and another one is plastic section. Roll steel section means जो steel table में दी गए है वो सब है roll steel section. Means एक limit है उसमें. जैसे कि अगर मैं लिखूंगा कि Indian standard medium weight section of 600. The 600 means the depth of the section like this. This is I section. And this is the depth 600. So 600 mm is depth. This shows the depth value. So ye लास्ट सेक्शन जो डिजाइन हुआ है इसके आगे डिजाइन करना इसके आगे डिजाइन किया गया नहीं है. अगर इसके आगे आपकी वैल्यू आती है कि सपोज के आपको जो यूज करना है सेक्शन उसकी वैल्यू आई है डेप्थ 800 तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपके पास रोल स्टील सेक्शन तो कितना है ओनली 600 तक का ही है पर आपको यूज करना है 800 का तो आप क्या करोगे? उस टाइम प्लेट प्लास्टिक सेक्शन यानी प्लेट गर्डर कहते हैं प्लास्टिक सेक्शन यूज करेंगे मीन्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट गर्डर मीन्स हम 800 की ऐसे प्लेट ले लेंगे हाइट वाली और ऐसे दूसरी प्लेट करेंगे यहाँ पे दूसरी प्लेट बनाएंगे और उसे वेल्डिंग कर देंगे. ठीक है ऐसे हम बनाते हैं वो प्लास्टिक सेक्शन कहते हैं पर वो स्टील टेबल में दिया गया नहीं होता. ओके नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक टुडे वी विल कवर बीम टू बीम सेक्शन. सो फर्स्ट बीम टू बीम कनेक्शन. अब मैंने अभी फिगर ड्रॉ कराया थी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम कैसे करते हैं तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको आईएस रेक्टेंगल सेक्शन मैंने बनाया था एक मेन बीम का एक सेकेंडरी बीम का. पर जब स्टील सेक्शन की बारी आती है तो बीम के लिए क्या यूज करते हैं? कंक्रीट में तो हमें पता है कि चलो 200x500 का बीम ले लेते हैं या 300x300 का कॉलम ले लेते हैं तो कॉन्क्रीट सेक्शन बनता है उसमें सिर्फ या स्टील प्रोवाइड करते हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए हमें कोई एंगल कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. अब यहाँ पे अगर आपको बीम टू बीम कनेक्शन करना है
तो आप कौन सा सेक्शन यूज करेंगे? आई थिंक वी कैन यूज बीम सेक्शन, मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड वेज सेक्शन. अब आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें इंडियन स्टैंडर्ड यूज करना है तो उसमें से कितने टाइप्स है, लाइक ISLB है, ISMB है, ISHB है, ISSB है, बहुत सारे टाइप्स है इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन में. तो हम कौन सा सेक्शन यूज करेंगे वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपन? सो दैट इज टू बी डिसाइड ऑन द बेस, बिकॉज हमें जब बिल्डिंग बनाना होता है तो इतना याद नहीं रखना है कि हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाना है जो गिर न सके. तो ज्यादातर हमारी मेंटालिटी कैसी रहेगी कि हम है ना ऐसा बिल्डिंग बनाए इतना ज्यादा हैवी वेट सेक्शन यूज कर दे सब कि बिल्डिंग हमारी गिरे ही नहीं. ये मेंटालिटी हमें नहीं रखनी है. क्यों? जितना हम हैवी सेक्शन यूज करेंगे उतना ही कॉस्टलियर बनेगा. हमें बिल्डिंग को इकोनॉमी बनाना है. अगर आप चाहे तो 1 BHK का बिल्डिंग भी आप 1 करोड़ का बना सकते हैं, और 1 BHK का बिल्डिंग भी आप 10 लाख का भी बना सकते हैं और 5 लाख के भी बना सकते हैं. वो डिपेंड कैसे होता है कि स्मार्ट थिंकिंग पे होता है कि हम इकोनॉमिकल बेस पे जाए. चलो जहां पे ISLB चल जाता है वहां पे ISHB यूज करके क्या करना है. ओके, अगर 1 BHK का बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन में चल जाएगा क्योंकि वहां पे इतना लोड नहीं होता है. ठीक है, तो वहां पे ISHB यूज करके कहां कर क्या करना है आपको. ठीक है, सो सपोज के बीम टू बीम कनेक्शन मीन्स टू कनेक्ट द सेकेंडरी बीम टू मेन बीम. टू कनेक्ट द सेकेंडरी बीम टू मेन बीम. और यहां पे कौन सा सेक्शन यूज होगा? हाई सेक्शन. तो हमें डिजाइन क्या करना है इसमें? चलो अपन कनेक्ट कर दिया, कितना लोड ट्रांसफर होता है वो मैं दे दूंगा. तो हमें ये पता करना है कि यहां पे कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज हो गए ये रिएक्शन ट्रांसफर करने के लिए. अब मैं आपको बताता हूं कि कैसा ये लोड ट्रांसफर होता है. अब पहले मैं ये बता देता हूं कि कौन से आपके कनेक्शंस आते हैं. सो फर्स्ट वन आएगा क्लीट एंगल कनेक्शन. क्लीट एंगल कनेक्शन मीन क्या कि अगर ये कनेक्शन है, सपोज के ये एक छोटा सा बीम है, तो अगर इसको यहां पे कनेक्ट करना है तो यहां पे क्लीट का पोर्शन होगा. जैसे कि ये देख लो एक क्लीट है और ये एक क्लीट का दूसरा पोर्शन है. ये क्लीट कुछ नहीं बट एक एंगल सेक्शन यूज किया है अपन ने. तो क्या करेंगे अपन, ये एक बीम का पोर्शन जा रहा है और ये बीम का पोर्शन पीछे जा रहा है. तो ये बीम के पोर्शन को कनेक्ट करने के लिए अपन ने क्या यूज किया है? क्लीट यूज किया है. अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो एक सेकंड. सपोज कि ये मेन बीम, ओके, और यहां पे सेकेंडरी बीम को मैंने कनेक्ट किया. तो आई सेक्शन में कौन सा पोर्शन कनेक्ट होगा वो मैं पहले आपको बता देता हूं. आई सेक्शन के इस पोर्शन को हम बोलते हैं फ्लिंज पोर्शन और इस पोर्शन को हम बोलते हैं वेब पोर्शन. मैं डिटेल में पहले से नहीं बता रहा क्योंकि जहां जहां यूज होगा, जहां जहां जैसे वैल्यू को मेरे को लगेगा कि ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है तो वहां वहां मैं आपको ये एक्सप्लेन करता रहूंगा. इसे कहते हैं अपन थिकनेस ऑफ फ्लिंज, इसे कहते हैं हम थिकनेस ऑफ वेब, इसे भी कहते हैं अपन थिकनेस ऑफ फ्लिंज.
ये सारी वैल्यूज अपन को स्टील टेबल में से मिल जाएगी। ठीक है, अब समझ लो कि ये मेन बीम है और उसको एक सेकेंडरी बीम से कनेक्ट करना है। तो मैं समझ लेता हूं कि ये मेन बीम है और ये मैंने वेब पोर्शन दिखाया है। कौन सा पोर्शन दिखाया है? ये वाला वेब पोर्शन। ठीक है, तो ये बीम को मैं यहां पे खड़ा करता हूं। ऐसे ऊपर प्लेन जाएगी पर वो उसका अभी कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं कोई दिखाता नहीं। ये मेन बीम है तो यहाँ पे सेकेंडरी बीम ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, देखो 3D में देखो, दोनों वेब पोर्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो ये जब दोनों वेब पोर्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल सेक्शन आएगा जो एक यहाँ पे भी लगेगा और एक यहाँ पे भी लगेगा। ऐसे एंगल सेक्शन आएगा, अपना हाथ होता है ना एक एंगल जैसा ही है। ठीक है, ये अपना एंगल जैसा ही हाथ है, तो इसे ऐसे पेस्ट कर दो और यहाँ पे एक कनेक्ट करेगा, यहाँ पे एक कनेक्ट करेगा, यहाँ पे एक कनेक्ट होगा और यहाँ पे एक कनेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे से हमें यहाँ पे एंगल सेक्शन लगाना है जो अपने को स्टील टेबल में से वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे बोल्ट कनेक्ट करना है, तो कितने बोल्ट यूज हो गए वो दिखाना है। अगर मैं आपको थोड़ा 3D फिगर में दिखाऊं तो ऐसे हो, ये एक मेन बीम जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ना एक एंगल ये एक मेन बीम है और ये सेकेंडरी बीम। ओके, ठीक है, ये अपना सेकेंडरी बीम। तो यहां पे क्या होगा, एक प्लेट यहां पे कनेक्ट होगी और एक यहां पे होगी कनेक्ट, यहां पे बोल्ट्स आ जाएंगे। तो ये बोलते हैं अपन क्लिक, इसलिए इसको क्लीट एंगल कनेक्शन बोलते हैं। तो फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा? ये वाला फ्रंट व्यू होगा। ठीक है, अगर हम इस साइड से देखें तो कैसी फिगर आएगी? ऐसी आएगी, देखो। ऐसी फिगर बनेगी। इसमें ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है अपना वीप जो ये दिख रहा है, वो ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कनेक्ट हुआ है ना, इसकी जो थिकनेस जो दिखती है ना, वो भी अपन को दिखेगी। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, यहाँ से जो थिकनेस दिखेगी ना ये पोर्शन की, वो ये रही। और ये सामने का पोर्शन जो दिखेगा फ्रंट व्यू में, वो ये रहा। ठीक है, ये उसका फ्लेंज पोर्शन जा रहा है और ये, और ये क्लिट की क्लीट जैसा कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको क्लीट एंगल कनेक्शन चाहिए। और सेकंड क्या होगा? शीट एंगल कनेक्शन। शीट एंगल कनेक्शन मींस क्या? सीट मींस बैठना। तो बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? तो अगर मैं सोच लू कि ऐसे, तो यहाँ पे एंगल यूज होगा ऐसे, तो उसे बोलते हैं अपन सीट एंगल कनेक्शन, जो ऐसे ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, उसमें ये बीच में एंगल नहीं कनेक्ट होगा,
उसमें सिर्फ शीट एंगल कनेक्शन होगा और ऊपर एक एंगल रख दिया गया क्लिप, जिसकी कोई डिजाइन नहीं होती उसे ऐसे ही रख दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा स्टंप के बेस पे अपन समझेंगे तो आपको जल्दी से एक्सप्लेन हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। तो बीम टू बीम कनेक्शन, दो टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, क्लीट एंगल कनेक्शन एंड शीट एंगल कनेक्शन। सो अभी हम लेते हैं जैसे कि यू हैव गिवन एंड आईएस एमबी 300 सेक्शन। ओके, आपको एक आईएसएमबी 300 सेक्शन दिया हुआ है जो आईएसएमबी 500 से कनेक्ट किया गया है, विच इज कनेक्टेड विथ आईएसएमबी 500। टू ट्रांसफर द रिएक्शन, टू ट्रांसफर द रिएक्शन ऑफ किलो न्यूटन का रिएक्शन ट्रांसफर करने के लिए जो आईएसएमबी 300 है वो आईएसएमबी 500 पे 200 किलो न्यूटन का रिएक्शन ट्रांसफर करेगा, तो डिजाइन करना है। तो डिजाइन में क्या करना है कि अपन कौन सा एंगल यूज करेंगे, कौन सी साइज का एंगल यूज करेंगे, वो अपन को फाइंड करना है कि जो एंगल अपन कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे उस एंगल की साइज कितनी होगी वो अपन को डिफाइन करना है, और वो एंगल को वहां कनेक्ट करने के लिए कितने बोल्ट की नीड होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे दूसरे डेटा दिए हुए हैं आपको कि अब डिजाइन करना है तो डिपेंड अपने पे ही होगा कि अपन कौन सा डायमीटर का डेटा यूज करते हैं। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ M20 ग्रेड 4.6 ग्रेड, ओके, और Fe410 जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है स्टील कनेक्शन, ये जस्ट है FUB कह सकते हैं अपन। ओके, नाउ अब प्लेट, अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है कि सपोज के एक ये है ISMB 500, ओके, 500 मीन्स उसकी डेप्थ होगी अपन की 500, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया है आईएसएमबी 300 से, यहां मैं कंटिन्यूटी दिखाता हूं क्यों कंटिन्यू है। तो इसकी डेप्थ कितनी होगी 300, ओके, सो ये दो डेटा अपन को पता है क्योंकि अपन को सेक्शन दिया हुआ है। अब यहां से ट्रांसफर होगा 200 का रिएक्शन यहां पे, ठीक है, ये 200 का रिएक्शन ये लेगा, तो यहां पे ऐसे कितना साइज का एंगल अपन प्लेस करे और कितने बोल्ट यूज करे कि एंगल फेल ना हो, मीन्स के एंगल अपना फेल ना हो, मीन्स के कॉलेप्स ना हो और उसे रेजिस्ट कर सके 200 किलोमीटर। तो पहले अपन देते हैं कि डिटेल कि आईएसएमबी 500 की विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या है, थिकनेस ऑफ वेब क्या है, वो सब हमें कहां से मिलेगा, तो स्टील टेबल से। तो चलो देखते हैं कि ये कहां से मिलता है। तो देखो ऐसा होगा अपना स्टील टेबल, ठीक है, तो ये स्टील टेबल में अपने को पहले इंडेक्स मिलेगा कैसा, देखो कंटेंट रोल स्टील इक्वल एंगल सेक्शन, ओके, रोल स्टील
अनइक्वल एंगल सेक्शन, ओके। फिर तो हमें किस पे जाना है, रोल स्टील बीम सेक्शन पे जाना है, फोर्थ नंबर पे। तो कहां से मिलेगा, देखो अपने को आया एसएमबी 500 लेना है, देखो सिंगल पोस्ट प्लेट गर्डर बहुत फ्रेंची से, तो प्लेट गर्डर आ गया अपने, बहुत नीचे आ गए। रोल स्टील इक्वल एंगल सेक्शन है, रोल स्टील अनइक्वल एंगल सेक्शन है, अपने को बीम सेक्शन चाहिए, ये टी सेक्शन आ गया है, ये देखो आ गया रोल स्टील बीम। अपने को क्या चाहिए, आईएसएमबी 500, तो ये रहा आईएसएमबी 500, दिख रहा है नीचे आपको, ठीक है। तो आईएसएमबी 500, अब इसमें अपन को क्या क्या वैल्यू लेनी है, तो देखो ये वाला सेक्शन है डेप्थ ऑफ सेक्शन जो आपकी 500 होगी, ये रही। अब आपकी क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज सेक्शन, देख लो विड्थ ऑफ फ्लेंज कितनी है अपनी, 180 है लास्ट वाली लाइन, ओके। तो मीन्स अपना ये हो गया 180, ये क्या हो गया 180, सारे डेटा एमएम में दिए हुए हैं। फिर क्या दिया हुआ है, कौन सी लाइन दी है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी दी है, 17.2, मीन्स ये अपनी हो गई 17.2, ये भी हो गई अपनी 17.2। फिर क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वेव 10.2, ये वाले इसे कहते हैं 10.2। अभी अपन को इतने ही डेटा काम के, और कोई डेटा काम के नहीं है, इतने ही डेटा अपन को जरूरी है, नीडेड है अभी, इसलिए हम इतने ही डेटा को यूज करेंगे। तो ऐसे ही अपन आईएसएमबी 300 की भी ले लेते हैं वैल्यू, जिसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज कितनी है, 140 mm है, जिसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज कितनी है, 140 है, यही है ऊपर है देखो ये रहा, और थिकनेस ऑफ फ्लेंज है 14.2 और थिकनेस ऑफ वेब है 8.1, मीन्स थिकनेस ऑफ फ्लेंज है 14.2 और थिकनेस ऑफ वेब है 8.1, इतनी डेटा अपन को नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि आईएसएमबी 300 में क्या क्या वैल्यू अपने को काम की है, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर वीडियो, तो फिगर को पता चल गया कि अपन को क्या क्या करना है और क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या अपने डेटा पुट किए हुए हैं। तो आईएसएमबी 500 में अपन देखेंगे तो विड्थ ऑफ फ्लेंज बीएफ है अपनी 180, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है 17.2, सब एमएम में है, ओके। थिकनेस ऑफ वेब है अपनी 10.2, ओके। जैसे ही आईएसएमबी 300 होगा तो उसमें क्या होगा कि अपनी थिकनेस ऑफ फ्लेंज है 14.2 और थिकनेस ऑफ वेब है 8.1, सॉरी, ये भी सब एमएम में ही है, ठीक है। तो जितने डेटा यूजेबल है मैं उतने को ही आपको दिखाता हूं। नाउ इसको यूज करके अपन को फाइंड करना है ना, अपन स्टार्ट कैसे करेंगे कि यार फाइंड क्या करना है। तो पहले ये बात समझ लो कि अपन को फाइंड करना है नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स का इक्वेशन क्या है, आर अपन वीडीबी। नाउ आर इज व्हाट, आर इज रिएक्शन, और ये रिएक्शन अपन को दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन ट्रांसफर करना है। सो वीडीबी क्या है, बोल्ट वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं, बोल्ट वैल्यू, वीडीबी को बोल्ट वैल्यू बोलते हैं। तो बोल्ट वैल्यू अपन को कहां से मिलेगी, तो बोल्ट वैल्यू अपन को कैसे मिलेगी कि जब बोल्टेड कनेक्शन होता है ना, कि जैसे कि अपन एक सिंपल से वे में अंडरस्टैंड करें, तो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इसको एक बोल्ट से कनेक्ट की गई है,
तो यहाँ पे क्या होगा, शियरिंग इफेक्ट होगा। अगर ऐसे कनेक्ट करते तो यहाँ पे शियरिंग इफेक्ट होगा, तो ये शियरिंग इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से फेलर होगा, तो वो कहते हैं शियर फेलर ऑफ बोल्ट। और ज्यादा टेंशन होगा, अगर टेंशन फोर्स ज्यादा हो गए तो बोल्ट यहां से टूट जाएगा और आगे निकल जाएगा, मीन्स के ये पोर्शन टूट के ऐसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेयरिंग फेलर हो गया। क्या हो गया, बेयरिंग फेलर। बेयरिंग फेलर ऑफ बोल्ट। सो इसको हम बोलते हैं VDSB और इसको हम बोलते हैं VDPB। इसको हम बोलते हैं VDSB और इसको हम बोलते हैं VDSB। वो उसकी वैल्यू अपन को कहां से मिलेगी, तो IS कोड से हमको फॉर्मूला मिलेगा, IS 800-2007, विच इज द कोड ऑफ स्टील डिजाइनिंग। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू। अब हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये लोड कैसे ट्रांसफर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो समझ लो। ये एक वेव सेक्शन जा रहा है बीम का आगे, और यहां पे मेन बीम का वेव सेक्शन जा रहा है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। यहां पे दूसरा वेव सेक्शन जा रहा है। अब यहां से अपन को 200 लोड यहां पे ट्रांसफर करना है इस बीम पे, ठीक है। ये 200 है वो अपन को यहां पे ट्रांसफर करना है, तो कैसे ट्रांसफर होगा, तो ये 200 का लोड ये वेव पोर्शन पे लगेगा, ये एंगल पे, पहले ये एंगल को वाइब्रेट करेगा, ये एंगल इस बोल्ट्स को वाइब्रेट करेंगे, सॉरी ये बोल्ट्स को वाइब्रेट करेंगे, ये बोल्ट्स ये एंगल पे लोड लगाएंगे, और ये एंगल से इस एंगल पे लोड आएगा और इससे इस बोल्ट्स को लोड होगा। मीन्स अपन जब भी ट्रेन जाती है या कोई ब्रिज पे से बड़ा व्हीकल जाता है तो वो पोल्स की आवाज आती है खड़खड़, वो क्यों आती है, क्योंकि लोड ट्रांसफर होते होते ना तो बोल्ट बकलिंग करेंगे, वाइब्रेट करेंगे बोल्ट, और उसकी वजह से ना वो आवाज उत्पन्न करेंगे। तो यहां से ऐसे लोड ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो सारा कनेक्शन डिपेंड किस पे होता है, पोल्स पे ही, और बोल्स किसके बेस पे से फाइंड किया जाता है, रिएक्शन के बेस पे से। अभी अपन ने इक्वेशन देखा R/VdP, तो VdP मीन्स क्या, जो मैंने अभी आपको दो वैल्यू बताई VDSB एंड VDPB, VDSB मीन्स क्या, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, और VDPB मीन्स क्या, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो उन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना उसे हम बोलेंगे VDB, वो क्या होगा अपना VDB। तो अब हम फाइंड करेंगे VDSB और VDPB। सो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, वो कहां पे दिया हुआ है, सो IS 800 2007 पेज नंबर 75 पे दिया हुआ होगा VDSP। चलो देख लेते हैं, ये IS 800, हमें पेज नंबर 75 पे जाना है। एटी फोर अगर
पेज नंबर 75 क्लोज नंबर 10.3.3 Here the value of VDSB is given as VNSB upon gamma MB. VNSB upon gamma MB. Okay. और VNSB की value क्या दिया हुआ है? Nominal shear capacity of board. VNSB is equal to FU by root 3 NN into ANB. प्लस एनएस इंटू ए एस बी ओके एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी बाय दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट ओके सो मूविंग फॉरवर्ड आई एक्सप्लेन यू ऑल द टर्म्स वन बाय वन नाउ इन वी डी एस बी VNSB we will get from this gamma MB is the value of partial safety factor which we will get from the page number 30. Okay, so kindly going to page number 30, I will show you what is the value. See. Here at page number 30, partial safety factor for materials gamma m, table number 5. The value of gamma mb is given, gamma m1 is 1.25. What is the value of gamma mb? It is 1.25. Okay, so, and various values are given like gamma mb and gamma m0 is 1.10. These two values are very useful in the design of steel structure. Okay, so coming back to the equation, VNSB, so this value will be 1.25. FU means in the IS code you have given the FU means ultimate tensile strength of bolt. So how can we find the ultimate tensile strength of bolt? Ultimate tensile strength of bolt. So it is based on the, it depends on the grade, that which type of grade of bolt we are using. So here we are using of the grade, I have taken 4.6. What it is 4.6. So 4 shows the value of ultimate tensile strength of bolt and 6 shows the value of yield strength of bolt. So multiply this value by 100. Then you will get the 400, it is ultimate tensile strength of bolt, FUB. Generally it is denoted by FUB. And the 6 shows the 60% value of 400. So it will be 240 Newton per mm square. And that will be the FYB value, yield strength of bolt. See, now I am explaining it in 4.6, first value shows the FUB. It is 400 Newton per mm square. And this is 6 means 60% of ultimate tensile strength of bolt. So multiply by 0.6, so it will be 240 Newton per mm square. And that will be the FYB value. Like that, if you are using the grade of 8.8 grade, then the value will be 800. And this value will be 640. Let's see how it is. So if you are using here 8.8, then you will multiply by 100. So 800, then this is 80% means 0.8. So it will be 640. Okay. So here we are using 4.6 grade. So FUB will be upon 400 Newton per mm square. Okay. So now coming to NN, NN means what? In IS code it is shown that number of shear plane with thread intercepting the shear plane. Okay. Now number of thread means what is thread? So let's understand what is thread. So see,
इफ दिस इज द बोल्ट the bolt will like this. This is a portion without hatching and this is the portion with hatching. The hatched portion is known as thread portion and the without hatched portion is known as shank portion. This is shank and this is thread. अब अपन जब plate को connect करेंगे तो वो plate ऐसे connect होगी, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, थ्रेड पोर्शन में बन रहा है कि सैंक पोर्शन में बन रहा है? अगर सैंक पोर्शन में बन रहा हो तो अपन एनएस की वैल्यू लेंगे, नंबर ऑफ शियर प्लेन, यहाँ पे शियर ऑकर होता है तो ये शियर प्लेन हो गया, तो ये कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, ये सैंक पोर्शन में इंटरसेप्ट होगा। अगर एक और प्लेट यहाँ पे कनेक्ट कर दू तो ये वाला पोर्शन कहाँ पे कनेक्ट इंटरसेप्ट हो रहा है, थ्रेड पोर्शन में इंटरसेप्ट हो रहा है। तो जो प्लेन थ्रेड पोर्शन में इंटरसेप्ट हो वो एनएन में आएगा और जो प्लेन शैंक पोर्शन में इंटरसेप्ट हो वो एनएस में आएगा। अब जनरली ऑन द साइड द बोल्ट आर यूज्ड ऑन फुल ऑफ थ्रेड पोर्शन, सो वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ शैंक पोर्शन इज जीरो। व्हाई? द शैंक पोर्शन इज नॉट कैलकुलेटेड एट दिस बिकॉज द बोल्ट वी नीड टू be a very rigid connection. If the shank portion is there, the connection will be smooth, will become smooth. Okay, that's why we are not using the bolts which have shank portion. So NS value will be zero. Now what you mean by A and B? A and B means the area of thread portion. A and B is equal to net area of thread portion. It is 0.78 and pi by 4 d square and d is the diameter of bolt. D is the diameter of bolt and ASB means the area of shank portion which is pi by 4 d square. What is 0.78? Is the cut portion of hatching. Here it will become cut portion. That's why we use 0.78 and here it is smooth portion. So generally it is the diameter of the circle. Okay, so it will be pi by 4 d square. So I hope you understand all the terms. If you can't get any, then please comment me, then I will change it. So let us calculate the values of VDSB. So, VNSB is equal to FU by root 3 NN ANB plus NS ASB. So FU is, so FU tends to 400 divided by root 3 NN. अब अपन को ये पता करना है कि चलो शियर प्लेन इंटरसेप्ट हो रहे हैं पर दो साइड इंटरसेप्ट हो रहे हैं कि एक ही साइड इंटरसेप्ट हो रहे हैं, मीन्स के अगर दो साइड इंटरसेप्ट हो गए तो वो आएगा सिंगल शियर में, अगर एक साइड इंटरसेप्ट होते तो सॉरी अगर एक साइड इंटरसेप्ट होता है तो आएगा सिंगल शियर में, अगर दो साइड इंटरसेप्ट होता है तो आएगा डबल शियर में। वो कैसे? अगर यहाँ पे बोल्ट है, अगर इसको कनेक्ट किया है, ऊपर भी एक प्लेट है और नीचे भी प्लेट है तो ये एक शियर हो गया और एक दूसरा शियर हो गया तो डबल शियर हो गया, पर एक ही प्लेट होगी तो ओनली सिंगल शियर होगी। तो यहाँ पे अगर हमें बोल्ट कनेक्ट करते हैं तो दोनों साइड इंटरसेप्ट हो रहे हैं। लाइक अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये अपन वेब कनेक्ट करेंगे मेन बीम के साथ, ये मेरा जो टेस्ट है ना वो समझ लो कि वो मेन बीम है और ये सेकेंडरी बीम में कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो ऐसे एंगल सेक्शन यूज होगा। तो जब उसे सेकेंडरी बीम से कनेक्ट करेंगे तो दो साइड शियर होगा तो उसे बोलेंगे डबल शियर में, अगर जब मेन बीम से कनेक्ट करेंगे तो सिंगल शियर ही होगा क्योंकि पीछे की पास पीछे के पोर्शन में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे हो गया सिंगल शियर। तो जब मेन बीम से कनेक्ट करेंगे तो वो सिंगल शियर में आएगा, जब सेकेंडरी बीम से एंगल को कनेक्ट करेंगे तो वो डबल शियर में आएगा।
अभी हम सीयर कैपेसिटी बोर्ड में क्या ले, सिंगल सीयर ले कि डबल सीयर ले? तो अभी हम उसे एक कॉमन सिंगल सीयर में यूज करते, तो सिंगल सीयर आ गया तो वन हो गया। अब ए एंड बी मीन्स क्या, 0.78 पाई बाय 4 डी स्क्वायर, 0.78 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो 0.78 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 4 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? सो ट्वेंटी क्या लिया है अपने, डायमीटर ऑफ बोर्ड। अब हमने ns को जीरो ले लिया है तो ये भी जीरो हो गया, तो इतना इक्वेशन होगा अपना, आगे कुछ नहीं होगा। सो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VNSB। सो व्हाट विल बी द VNSB? सो VNSB वैल्यू आएगी अपन की 400 इंटू 244.92 डिवाइड बाय √3। √3 कॉमन 1.73 भी बोल सकते हैं। तो क्या आई, 56.62 किलो न्यूटन, 56.62 किलो न्यूटन। सो VDSB का क्या इक्वेशन है, VDSB इज इक्वल टू VNSB अपन गैमा MB। सो व्हाट इज द VNSB अपन गैमा MB? सो VDSB इज इक्वल टू VNSB अपन गैमा MB। So gamma VNSB is equal to 56.62 and gamma MB means 1.25. So what will be the value? 45.3. This is the value of shear capacity of bolt VDSB for single shear. अब डबल करना होगा आगे जाके, तो कुछ नहीं, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो वो डबल सीयर में हो गया। ओके, सो अभी हम सिंगल सीयर में लेते हैं, तो VDSB की सिंगल सीयर में वैल्यू क्या आई, 45.3। ओके, तो नॉट आई एम नोटिंग दैट VDSB इज इक्वल टू 45.3 किलो न्यूटन फॉर सिंगल सीयर। तो डबल सीयर, ये सिंगल सीयर के हो गया, तो डबल के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 90.6। ओके, अब अपन कैलकुलेट करते हैं वीडीपीबी की वैल्यू। तो वीडीपीबी की वैल्यू कैसे आएगी, तो वीडीपीबी की वैल्यू उसका भी इक्वेशन है IS 800 में, देखो बताता हूं मैं ऐसे। सेवेंटी फाइव पेज पे ही है, ये रहा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, VDPB इज इक्वल टू VNPB अपन गैमा MB। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VNPB, IS 800 2007 पेज नंबर 75। VNPB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VNPB? सो इट इज गिवन 2.5 KB DTFU, 2.5 KB DTFU। ओके, सो 2.5 एंड KB मींस यू हैव गिवन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ E बाय 3D0, P बाय 3D0 माइनस 0.25, FUB एंड बाय FU और 1। इन चारों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कंसीडर करनी है, बट यहां पे अपन लेते हैं उसे 1। D मींस डायमीटर ऑफ बोल्ट, वो तो अपन को पता है 20। T मींस थिकनेस वेयर द प्लेट इज कनेक्टेड, थिकनेस वेयर द प्लेट इज कनेक्टेड। बीम एंड FU तो 400 फिक्स ही है अपनी। ओके, अब 400 फिक्स है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट,
प्लेट की जो है वो यहाँ पे है 410 अपन ने ली थी वो, ओके, और बोर्ड की क्या है 400, तो वो दोनों में से जो स्मॉलर हो वो लेने की। लेकिन के अगर हम 4.6 ग्रेड का बोल्ट यूज करते हैं तो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी आएगी 400, और प्लेट की कितनी है 410। अगर हम 8.8 का यूज करेंगे तो क्या आएगा 800, पर ये तो 410 ही रहेगी, तब स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी 410। तो अभी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 400, तो यहाँ पे क्या आएगी 400। तो ये सारी वैल्यू अपन के पास है टी। अब टी को कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे के टी, सो वो किस पे डिपेंड है कि केस पे डिपेंड है कि कौन सा अपन कनेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो पहले अपन ले रहे हैं वीडीपी की हमारा जो बीम है सेकेंडरी बीम, हमारा जो एंगल जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, एंगल इज कनेक्टेड टू मेन बीम, मीन्स ऐसी फिगर होगी अपनी, तो यहां पे भी एंगल होगा, ऐसे कनेक्ट करेंगे ठीक है एंगल को, देखो मैं बताता हूं, ये है वेव पोर्शन सेकेंडरी बीम का, किसका सेकेंडरी बीम का, ठीक है, और ये हो गया वेव पोर्शन, ये मेन बीम हो गया, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है दोनों साइड कनेक्ट होगा। तो अगर हम उसे मेन बीम से कनेक्ट करेंगे तो वो सिंगल शियर में आएगा, और तब थिकनेस किसकी लेगे, मेन बीम की लेगी। जब मेन बीम से कनेक्ट होगा तो थिकनेस मेन बीम की आएगी, जब सेकेंडरी बीम से कनेक्ट होगा तब थिकनेस सेकेंडरी बीम की आएगी। तो अभी हम कहां पे कनेक्ट कर रहे हैं उसे, मेन बीम से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2.5 kb is equal to 1, और थिकनेस किसकी थिकनेस लेंगे, डायमीटर कितना है 20 है तो 20 ले लेंगे, थिकनेस किसकी लेंगे वेव पोर्शन की के फ्लेंज पोर्शन की, अपना जो एंगल है वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है वेव पोर्शन में कनेक्ट हो रहा है, दोनों साइड वेव में ही कनेक्ट हो रहा है क्योंकि फ्लेंज तो आई सेक्शन है जो टॉप पे आएगा, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वेव, तो मेन बीम कौन सा है 500, इसकी थिकनेस ऑफ वेव क्या है 10.2, तो यहाँ पे आएगी 10.2, ओके, और एफ यू क्या आएगा 400, तो कितनी वैल्यू आई 2.5 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 10.2 इंटू 400, ओके, तो कितना आया 204 किलो न्यूटन, ओके। अब ये वैल्यू को ये इक्वेशन में पुट ऑन कर दो तो वीडीपीबी की वैल्यू क्या आएगी 204 डिवाइड बाय 1.25, गामा एमबी तो सेम ही रहेगा, तो कितनी आई 163 किलो न्यूटन आई, कितनी आई 163 किलो न्यूटन, ओके। तो ये किसके लिए आई, जब मेन बीम से कनेक्ट करेंगे तब वीडीपीबी की वैल्यू कितनी आई 163 किलो न्यूटन, ओके। तो ऐसा ही अगर अपन सेकेंडरी बीम से कनेक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी वो देखना है, तो देखो वीडीपीबी टू मेन बीम, सो 163 किलोन्यूटन, अब वीडीपीबी टू सेकेंडरी बीम, तो VNPB का इक्वेशन क्या होगा, वही इक्वेशन है, सिर्फ चेंज क्या होगा थिकनेस ऑफ वेव, तो कितनी होगी 2.5 kb तो 1 d20 और थिकनेस कितनी होगी 8.1 सेकेंडरी बीम की इंटू 400, तो कितना आया, तो
2.5 into 1 into 20 into 8.1 into 400. So 162 kilonewton आया. So VDP भी कितना आएगा अपना? 162 divide by 1.25. कितना आया? 129.6 kilonewton. तो ये मिल गया 129.6 kilonewton. Okay. तो अब हमारे पास जो अपन को वैल्यू चाहिए वो सब मिल गई है. सो अब हमें क्या वर्क करना है कि ये 200 किलो न्यूटन को ट्रांसफर करने के लिए कितने बोल्ट की जरूरत पड़ेगी. सो देखो ओके सो नंबर ऑफ बोल्ट्स पहले हम मेन बीम के लिए फाइंड करते हैं. इक्वेशन क्या है? आर अपन वीडीबी. आर तो 200 फिक्स है. वीडीबी अगर मेन बीम से कनेक्ट करेंगे अपन तब सिंगल शियर होगा. तो ये मेन बीम का है और ये सिंगल शियर का है तो दोनों में से स्मॉल कौन सा है? 45.3. तो 45.3 कनेक्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ बोल्ट आया? 200 डिवाइड बाय 45.3 तो 4.4 मीन्स अपन जन उसे ले सकते हैं 6 बोल्ट. समझ लो कि उसे ऑड में मत लो, उसे इवन में लो. ओके क्योंकि यहाँ पे 5 बोल्ट अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे वो आपको आगे पता चल जाएगा. अब हम सेकेंडरी बीम के साथ कनेक्ट करें तो यहाँ पे 6 बोल्ट आ गया मेन बीम. तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6. 1, 2, 3 और तीसरे 3 इस साइड आएंगे तो 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. अब मेन बीम का था. अब अपन लेते हैं सेकेंडरी बीम. तो सेकेंडरी बीम का क्या होगा? आर अपन वीडीबी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90.6 क्योंकि डबल सीयर है सेकेंडरी बीम में. यहाँ पे भी सीयरिंग इफेक्ट होगी, यहाँ पे भी होगी. तो ये 129 है और 90.6 है तो दोनों में से स्मॉल क्या है? 90.6. तो कितना आ गया? 200 डिवाइड बाय 90.6 तो उसका आ गया वैल्यू 2.2. तो कितने बोल्ट आ गए? 3 बोल्ट आ गए. तो देखो यहाँ पे भी हो गया 3 बोल्ट. 1, 2, 3 तो इक्वल हो गया सब. यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा 3 बोल्ट एक दूसरे को. ये पूरा कनेक्ट हो गया. यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 हो गया. पता चला कि कैसे नंबर ऑफ बोल्ट फाइन करना है. मीन्स के अगर ISMP 300 को 500 से कनेक्ट करते हैं और 200 का रिएक्शन ट्रांसफर करना है तो अपन को 3 बोल्ट और 20 mm डायर की जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी बीम से कनेक्ट करने के लिए और 6 बोल्ट और 20 mm डायर की जरूरत पड़ेगी मेन बीम से कनेक्ट करने के लिए. अगर हमको ये मिल गया है तो हम इसके हिसाब से एंगल की साइज भी डिसाइड कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? तो लेट अंडरस्टैंड लाइक दिस. एक एंगल क्लीट एंगल है, अगर उसे 3 बोल्ट से कनेक्ट किया गया है तो ये होगी अपनी एंड डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस. तो बीच में आएगा पिच डिस्टेंस यहां से यहां और यहां से और लास्ट के दो होगी एंड डिस्टेंस. तो E का इक्वेशन है 1.7D0. D0 मीन्स होल डायमीटर. तो 1.7D0 मीन्स 20 का होल डायमीटर कितना होगा? 20 + 2 = 22. तो इनटू 22 तो कितना हो गया? 37.4. वी विल टेक इट एज ए 440. और P मीन्स पिच डिस्टेंस 2.5 × D. तो 2.5 × 20 तो कितना हो गया? 50. तो ये 40 mm और ये 50 mm. तो ये 40, ये 50, ये भी 50, ये 40. तो टोटल कितनी लेंथ हो गई? 180 लेंथ हो गई, 180 mm. और इसकी विड्थ कितनी हो गई? तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40 ले लेते, एज डिस्टेंस 80 mm हो गई. ओके इसकी विड्थ कितनी हो गई? 80 mm. और इसकी थिकनेस अपन ले लेते हैं 8 mm की.
ठीक है 8 mm की थिकनेस ले देते हैं। तो अब ये तो लेंथ हो गई, तो ये 80 mm यहां पे आएगा, तो 80 mm यहां पे भी आ जाएगा। ओके तो ये भी 80 mm का ही होगा, क्योंकि दोनों साइड अपन ने सेम ही बोल्ट यूज किए 3 नंबर्स के, तो ये भी 80, ये भी 80। तो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, अब 2 IS से लेना पड़ेगा कि दो साइड है, उस साइड भी है दूसरा, तो 2 IS से 80 by 80 by 8 mm थिकनेस। 2 IS means double Indian standard section of 80 by 80 by 8 mm thickness. Okay, so students, ये आपका पहला टॉपिक था बीम टू बीम कनेक्शन, जिसमें मैंने दिखाया कि मेन बीम के साथ सेकेंडरी बीम को कैसे कनेक्ट करते हैं और ये रिएक्शन ट्रांसफर करने के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ बोल्ट और कौन से एंगल की नीड होती है और कैसे फाइंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको नहीं पसंद आता तो मेरे को बताओ, तो मैं अपनी मेथड्स को चेंज करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कॉमेंट कीजिए। ओके सो बाय, टेक केयर।